इधर है, है देखिए। अरे हर जगह थोड़ी रहता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। अरे ये हिल रहा था काला वाला कांटा, अरे अरे हिल रहा हिल रहा हिल रहा हिल रहा, ये बहुत बहुत ये वाला काला वाला कांटा बुरी तरह से हिल रहा है। भाई माँ ये देखिए, खास इसी जगह पे ये वाला कांटा बुरी तरह से हिल रहा है। देखिए देखिए आप डॉक्टर साहब। हाँ हिल तो रहा है लेकिन इसका क्या मतलब है? भाई माँ मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भटकती हुई आत्मा आ गई है। भाभी जी आप भी किस पगलेट की बातों पे विश्वास कर रही हैं? कौनो आत्मा वात्मा नहीं होता है। विभूति भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। सक्सेना जी मुझे लगता है ये मशीन खराब हो गई है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरी मशीन बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, यहाँ पे जरूर कुछ तो है। ए, हमें क्या टकटकी बांध के देख रहा है? हम भूत हैं हाँ, आत्मा है का? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये जो मशीन है ये तो कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है। काफी अलग टाइप का लगा, बड़ा रूहानी इम्पैक्ट था। आई लाइक इट। हो गया सक्सेना जी, शमशान घाट चले? भाभी जी हम चलते हैं। हम भी जाते हैं, हमको बहुत डर लग रहा है। चले सक्सेना जी हम भी चलते हैं। ये देखिए कांटा रुक गया है ना, मुझे लगता है कि आपकी तरह ये मशीन का भी मिजाज बिगड़ गया है। अरे सक्सेना जी कांटा तो वापस हिल रहा है। बेटे एक बात कहें गुल्लू, तुम गोलगप्पा खाते भाई बड़ी क्यूट लगती हो। शुक्रिया। अरे तुम अकेले में तो मिलो, हम तो मैं बढ़िया तबीयत से एक बार गोलगप्पा खिलाएंगे। अरे दरोगा जी, गुल्लो गुलफाम कली जी, ये क्या सड़क की चीजें खा रहे हैं आप लोग? ये सब आपको शोभा देता है क्या? बीमार हो सकते हैं दरोगा जी आप बीमार। भैया तिवारी आज तो मैं मतलब अंदर आज इतनी ज्यादा काय फिक्र हो रही हमारे लाने। दरोगा जी हमें तो आपकी हमेशा फिक्र रहती है। अच्छा हाँ? वैसे तुम्हारी बातन से हमें कहूँ लगू ना सोचो। हमें भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी। देखिए अब आपको जो लगा सो लगा, ये हमें नहीं पता। हम तो बस इतना कहने आए हैं कि हमारी बीवी ने अपने घर में आपके लिए खीर बनाई है, हमारी दिली इच्छा है कि आप दोनों चलिए और खीर खाइए। भैया तिवारी जो बताओ तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी मतलब अचानक से ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि हम तुम्हारे घर पधारे और खीर खाएं? ऐसा है दरोगा जी, ये दिली इच्छा है और दिल की इच्छा हमेशा नेक होती है। अब आपको तो मुफ्त का मलीदा पेलने की आदत है, अब हम आपको खीर खाने के लिए कह रहे हैं तो आपको क्या समस्या पैदा हो गई आपको? ना ना ना, हमने कही का ना कोनो समस्या ना है। बोलो चलो चल के चलते पड़िए, भाभी अंगूरी के हाथ की खीर खाएंगे। क्या कर रही जो? अरे अरे हुजूर सिर्फ खीर ही पिलाएंगे।